नजरीन, अक्टूबर 2001 जब अमेरिका ने 32 ममालिक के हमरा अफगानिस्तान पर हमला किया, ये हमला इतना शदीद और भयानक था जिसने तोरा बोरा जैसे पहाड़ों को भी हिला दिया। दोस्तों, इस दौरान मुल्ला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान में अपने साथियों के साथ मौजूद थे। अमरीकी और नेटो अफवाज ने दिन रात मुसलसल अफगानिस्तान पर बमबारी की जिससे हजारों बेगुना अफराद शहीद हुए। नजरीन, तालिबान मुजाहिदीन के पास जदीद हथियार मौजूद नहीं थे जिसके जरिए वो अमरीकी जदीद लड़ाका तैयारों F-16 और B-52 का मुकाबला कर सके। इसलिए मुल्ला उमर ने फैसला किया कि मुजाहिदीन शहरी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों का रुख करे ताकि अमेरिका जल्द से जल्द बमबारी खत्म करे और बेगुनाह अफराद का कत्लेआम खत्म हो जाए। दोस्तों, काबुल छोड़ते वक्त मुल्ला उमर ने तारीखी अल्फाज कहे जो बाद में 100% दुरुस्त साबित हुए। मुल्ला उमर ने अपने साथियों से कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिकी जमीनी रास्ते से काबुल में दाखिल होंगे और वो वक्त हमारा होगा। और बिल्कुल इसी तरह जब अमरीकी और नेटो अफवाज ने अपने कदम अफगानिस्तान में रखे तो वो नापाक कदम काट दिए गए। नजरीन, मुल्ला उमर ने अपने साथियों समेत पहाड़ों का रुख किया जहाँ एक छोटा और सादा सा कम था जहाँ से वो अफगान मुजाहिदीन को लीड किया करते थे। दोस्तों, इसी कमरे में इनके पास जरूरत के चंद चीजों के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसमें एक पुराना रेडियो था जिसके जरिए मुल्ला उमर BBC पश्तों की खबरें सुना करते थे। नजरीन, मुल्ला उमर को खत्म करने के लिए अमरीका ने 2 माह तक मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन पर आग बरसाई, मगर अमरीका मुल्ला उमर को खत्म करने में नाकाम हुआ। नजरीन, इसके अलावा अमरीकी जदीद सेटेलाइट और 32 ममालिक के इंटेलिजेंस अफगानिस्तान का छप्पा छप्पा ढूंढती रही, मगर मुल्ला उमर का कोई न मिल सका। नजरीन, इस बात पर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर कैसे मुमकिन है कि अमरीकी जदीद टेक्नोलॉजी मुल्ला उमर को ढूंढने में नाकाम हुई। आखिर अफगान मुजाहिदीन के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने अमरीका जैसे सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। दोस्तों, अगरचे अफगान मुजाहिदीन के पास जदीद हथियार मौजूद नहीं थे, मगर इनके पास बेहतरीन जासूसी का निजाम था। ये मुल्ला उमर के खास बंदे थे जो हर वक्त मौत के लिए तैयार होते थे। ये एक दूसरे के साथ कभी मोबाइल फोन या इंटरनेट के जरिए नहीं करते थे, बल्कि हमेशा एक दूसरे को अपडेट रखने के लिए खतूत भेजते थे। नजरीन, ये एक ऐसा तरीका था जिससे इनको ट्रेस करना नामुमकिन था। ये अपने खतूत में ज्यादातर कोड वर्ड्स इस्तेमाल करते थे जिसे आम इंसान या दुश्मन के लिए समझना नामुमकिन था। नजरीन, मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान पर हमले के दौरान कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया और सिवाय चंद अफराद के किसी को इलम नहीं था कि मुल्ला उमर कहाँ और किस जगह मुकीम है। नजरीन, इसके अलावा इनके पास कुरान मजीद और एक डायरी हुआ करती थी जिसमें वो अपनी जिंदगी के अहवाल लिखा करते थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान जबीहुल्ला मुजाहिद के मुताबिक मुल्ला उमर 2013 तक इसी खुफिया ठिकाने में मौजूद रहे। नजरीन, सुनकर आप हैरान होंगे कि ये खुफिया ठिकाना अमरीकी बेस से चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद था और अमरीका को इसकी खबर तक ना हुई। दोस्तों, एक डच खातून सहाफी बेटी डेम ने मुल्ला उमर की जिंदगी पर एक तफसीली किताब द सर्चिंग फॉर एन एनिमी भी तहरीर की है, जिसमें इस खातून सहाफी ने वाजह तौर पर लिखा है कि अमरीका जिसको सालों तक ढूंढता रहा वो अमरीकी बेस से 6 किलोमीटर की दूरी पर रिहाइश पसीर था। नजरीन, 2013 तक अमरीका ने हर मुमकिन कोशिश की और मुल्ला उमर की सर की कीमत लाखों डॉलर्स मुकर्रर की, मगर बावजूद इसके अमरीका मुल्ला उमर तक रसाई पाने में मुकम्मल नाकाम हुआ। दोस्तों, इसी दौरान अमरीका ने मुल्ला उमर की करीबी साथी को भी गिरफ्तार किया, मगर उसने अमरीकी हुकाम को मुल्ला उमर के बारे में कोई खबर नहीं दी। बागराम जेल में कैद इस मुजाहिद पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए, इसके नाखून तक निकाले गए और इसी जुल्म के दौरान इसकी शहादत हुई, मगर इसकी मुँह से एक लफ्ज नहीं निकला। नजरीन, मुल्ला उमर BBC पश्तों की खबरें लाजमी सुना करते थे, जबकि उसामा बिन लादेन की मौत की खबर भी उन्होंने रेडियो पर सुनी थी। नजरीन, डच सहाबी बेटी डेम अपने किताब में लिखती है कि 9/11 के बाद अमेरिका ने मुल्ला उमर की सर की कीमत $10 मिलियन रखी थी, मगर वो जिस घर में रिहाइश पजीर था उसे घर वालों को भी इस पुरस्कार मेहमान की शनाख्त का इलम नहीं था। इनके पास एक इंतहाई वफादार मुहाफिज जबार उमरी हमेशा रहता था। नजरीन, मुल्ला उमर की वफात के बाद अफगान हुकूमत ने इस बात की तरदीद की कि वो अफगानिस्तान में रिहाइश पजीर था। अफगान हुकूमत का कहना था कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर थे और पाकिस्तान में ही मुल्ला उमर का इंतकाल हुआ, मगर इसके फौरन बाद मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब ने बयान जारी किया कि इनके वालिद की मौत बीमारी की सबब हुई और वो अफगानिस्तान में मुकीम थे। डॉक्टर्स के मुताबिक मुल्ला उमर हेपेटाइटिस सी में मुब्तला थे और इन्हें अफगानिस्तान में दफनाया गया। नजरीन, इस पूरे वाक्य के बाद अमरीका को इंतहाई रुसवाई नसीब हुई, क्योंकि सालों तक CIA और नेटो अफवाज मुल्ला उमर को पकड़ने में नाकाम हुई, जबकि इनके रिहाइशगाह अमरीकी बेस से 6 किलोमीटर के फासले पर थी। नजरीन, बेशक अल्लाह ताला की मदद थी जिसके आगे दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी नाकाम हुई।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीज़ुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। अल्लाह हाफिज़।